करहल में संपूर्ण समाधान दिवस पर सीडीओ नेहा बंधु ने सुनी सबकी फरियादें। शनिवार को पूर्ण समाधान दिवस पर उन्होंने फरियादियों की शिकायत सुन उनका समस्या का समय से निस्तारण करने का आदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। समाधान दिवस में जिन शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ है संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दी गई हैं। साथ ही समय से शिकायतों को निस्तारित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर उप जिलाधिकारी नीरज द्विवेदी, तहसीलदार आनंद सिंह के साथ कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शिकायतें हैं, उनका त्वरित निस्तारण हो, जल्दी से जल्दी निस्तारण हो, समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण हो, इसी के तहत आज तहसील करहल में करीबन 54-55 शिकायतें आई हैं। कुछ जो शिकायतें मौके पर निस्तारण योग्य थी उसका मौके पर ही निस्तारण किया गया। आज प्रेस फील्ड स्टाफ भी यहीं पर मौजूद था, तो उनके सहयोग से जिसका भी जो मैटर था जिसमें हमारी संयुक्त टीम जानी है उसमें संयुक्त टीम का सहयोग लिया गया। कुछ विद्यालय से जुड़ी हुई आया शिकायत आई तो उसमें जो संबंधित अधिकारी हैं उनको संबंधित निर्देश दिए गए। तो यही मेन उद्देश्य इसमें सरकार का रहता है कि जो जनता के प्रति हमारी जो उत्तरदायित्व है वो तहसील दिवस के माध्यम से हम अधिक से अधिक जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण त्वरित समयबद्ध और गुणवत्तापूर्वक करने की कोशिश। कितनी शिकायतें सबसे अधिक आपने सुनी किस संबंधित? अब हर तरह की शिकायत होती है तहसील दिवस में, क्योंकि अब यहाँ पे बिजली विभाग है, जो राजस्व से संबंधित भी आती हैं, कुछ पुलिस से संबंधित भी आती हैं, विकास से संबंधित भी आती हैं। तो उद्देश्य यही है तहसील दिवस का कि जो हमारा डिपार्टमेंटलिज्म और जो इस तरह का है, तो तहसील दिवस के माध्यम से जहाँ पे समन्वय की भी ज़रूरत होती है तो यहाँ पे जो जनता की शिकायत है वो जल्दी निस्तारण होने की संभावना प्रबल है।